और एक टीचर की भूमिका ही है जो व्यक्ति को रोशनी दिखाने की काम को करती है, वो सपने बोती है। टीचर जो है ना, वो हर बच्चे के अंदर सपने बोता है और उसको संकल्प में परिवर्तित करने की ट्रेनिंग देता है कि देख ये सपना पूरा हो सकता है, तुम एक बार संकल्प लो, लग जाओ। आपने देखा होगा कि वो बच्चा सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर देता है और टीचर ने जो रास्ता दिखाया है उसे वो सिद्ध कर करके रहता है, यानी सपने से सिद्धि तक की इस पूरी यात्रा उसी प्रकाश पुंज के तहत होती है जो किसी टीचर ने उसकी जिंदगी में सपना बोया था, दिया जलाया था, जो उसको कितनी ही चुनौतियों अंधेरों के बीच में भी रास्ता दिखाता है। और देश भी आज नए सपने नए संकल्प लेकर के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा ये उन्हीं पर होने वाला है और उनका जीवन आपके हाथ में है। इसका मतलब हुआ कि 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। और इसलिए आप एक स्कूल में नौकरी करते ऐसा नहीं है, आप एक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है, आप एक सिलेबस को अटेंड करते ऐसा नहीं है, आप उसके साथ जुड़ करके उसकी जिंदगी बनाने का काम और उसकी जिंदगी के माध्यम से देश बनाने का सपना लेकर के चलते हैं। जो टीचर का सपना खुद का ही छोटा होता है, उसके दिमाग में 10 से 5 का ही भरा रहता है, आज 4 पीरियड लेने हैं वही रहता है, तो वो उसके लिए वो भले तनख्वाह आ जाता है, एक तारीख का वो इंतजार करता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आता है, उसको वो चीजें बोझ लगती है। लेकिन जब उसके सपनों से जुड़ जाता है तब ये कोई चीज उसको बोझ नहीं लगती है, उसको लगता है अरे मेरे इस काम से तो मैं देश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करूं, अगर मैं खेल के मैदान में एक खिलाड़ी तैयार करूं और मैं सपना संजोऊं कि कभी न कभी मैं उसको दुनिया में कहीं न कहीं तिरंगा झंडे के सामने खड़ा हुआ देखना चाहता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं आपको उस काम का आनंद कितना आएगा, आपको रात रात जागने का कितना आनंद आएगा। और इसलिए टीचर के मन में सिर्फ वो क्लासरूम, वो अपना पीरियड 4 लेने हैं 5 लेने हैं, वो आज आया नहीं तो उसके बदले में भी मुझे जाना पड़ रहा है, ये सारे बोझ से मुक्त होकर के, मैं आपकी कठिनाइयां जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं तो उससे बोझ से मुक्त होकर के अगर हम इन बच्चों के साथ उनकी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरा, अल्टीमेटली हमें बच्चे को पढ़ाना तो है ही है, ज्ञान तो देना है, लेकिन हमें उसका जीवन बनाना है। देखिए, आइसोलेशन में और साइलोज में जीवन नहीं बनते हैं। क्लासरूम में वो एक देख लें, स्कूल परिसर में कुछ और देखें, घर परिवेश में कुछ और देखें, तो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाता है। उसको लगता है मां तो ये कह रही थी और टीचर तो ये कह रहे थे और क्लास में बाकी जो लोग थे वो तो ऐसा बोल रहे थे। उस बच्चे को दुविधा की जिंदगी से बाहर निकालना है हमारा काम है।